हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग गाइस? सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं ब्लैक टी ले रही है, मेरी ब्लैक टी। और टाइम हो रहा है 6:30। मेरी ब्लैक टी, आ जाइए आप लोग भी गाइस। ब्लैक टी के बाद मैं जाती हूँ झाड़ों को पानी डालने। ये है देखो गाइस करिया पक्का, ये है पिंक रोज का, ये कोसाई के बालों में, ये है वाइट रोज का, ये रेड रोज का, सॉरी ये है वाइट रोज का, ये है मोतियाबार का एलोवेरा, येलो रोज। तो मैं आज बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में दोसे चटनी। लोग तो अभी सो रहे, अभी टाइम नहीं हुआ स्कूल का, तो मैं ब्रेकफास्ट बना के लोग का लंच रेडी करे बाद में उठाती हूँ। तो चलिए गाइस फिर स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, चलिए मेरे साथ। लाजवाब है, सुपर गाइस, मजेदार है। तो जल्दी खा रहे हैं। सॉरी, अच्छी चीज़ें जल्दी खा लेना, ऑफिस का भी टाइम हो रहा, जल्दी खा के निकलना है। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:35, तो इनको ऑफिस जाना है। तो ये है हमारा छोटा सा रूटीन, देखो आप लोग को पसंद आएगा। ये आज हमारे पास बना है डोसा और चटनी, चटनी हमारी और डोसा, तो हम दोनों साथ ही खाते। तो ये हो रहा हमारा ब्रेकफास्ट, बच्चे तो स्कूल चले गए, अली है मेरे पास। तो चलिए क्या बोलते, जबरदस्त है।
तो गाइस मैं ये डाल रही हूँ इमली का खट्टा, जो मेरे दालचे में स्पेशल है। तो गाइस मैं डाल रही हूँ इसके अंदर इमली का खट्टा। जैसे इसको अच्छे से वो कर लेना, मेरी दाल बन गई। तो मैं आज बना रही हूँ दालचा, और इसमें मैं गोश्त नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे को चिकन फ्राई करना है। तो मैं कद्दू का खाली दालचा बना रही हूँ बिकॉज किड्स को मेरे बहुत पसंद। चाहे तो आप गोश्त भी डाल सकते, ये बनता मेन गोश्त स्वेच, बट मैं तो ओनली कद्दू डाल रही हूँ। ठीक है, देखेंगे कितना अच्छा टेस्ट बनता। तो गाइस ऑलमोस्ट सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो अब रेडी हो गया मेरा दालचा। अब इसमें डालना है ये इमली का खट्टा बोलते हैं इसको हैदराबादी में। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें इमली का खट्टा गाइस। अब ये हो गई मेरी रेडी, उसका वाटर देखिए। तो चलिए तो देखिए गाइस ये कद्दू अच्छे से गल गया। अब मैं इसको दाल में मिला दूंगी। ठीक है, खट्टा मिला दी मैं, अभी इसको दाल में मिला दूंगी। ये अच्छा बनता टेस्ट देखिए। ये देखिए गाइस हमारा बना है कद्दू का दालचा। अब ये थोड़ा गाढ़ा दिख रहा ना, आप लोग पानी डाल सकते हैं इसमें, चेक कर लेना। इमली खट्टा कम है तो पानी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा इमली का खट्टा डाल सकते हैं, और नमक भी चेक करके डाल सकते हैं आप लोग। तो गाइस थोड़ा आप ऊपर से गरम मसाला डाल दो और स्मेल बहुत अच्छी रहेगी। चावल गाइस मैं बना रही हूँ चिकन फ्राई। तो इसमें थोड़ी सी प्याज डाल सकते हैं आप, और प्याज डालने से थोड़ा तलने में टेस्ट अच्छा आएगा फ्राई करने में गाइस। और इसमें डालती हूँ मैं मिर्ची। इसको हाथ से मिक्स कर लेना गाइस, तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो देखिए गाइस एक 5 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं आप लोग, फ्रिज में रख के फिर फ्राई करने डाल दीजिए। एक तो वो डालने से गाइस वो टेस्ट होता फ्राई करने में। अब इसके 10-15 मिनट्स हो जाएगा गाइस, थोड़ा पानी डाल सकते हैं आप। तो गाइस देखो दाल को ऐसा पकाना गाइस, जितना अच्छे उबलेगी तो उतना अच्छा हमारा दालचा रेडी होगा। चाहे तो आप इसमें गोश्त भी डाल सकते हैं, मटन चिकन सॉरी चिकन नहीं मटन।
देखिए मैंने डाली, बिकॉज हम लोग हमेशा डालते दाल से में, तो आज चिकन अलग सेपरेट फ्राई करना दिल बोला, तो देखिए गाइस देखिए चिकन देखिए अच्छे से गल गया। देखिए गाइस कितना अच्छे से फ्राई हो गया। चिकन मसाला डाल सकते हैं आप लोग, इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं और मैं डालूंगी थोड़ी कोथमीर। गरम मसाला डाल सकते हैं, चिकन मसाला गरम मसाला। तो ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट चिकन फ्राई हो गया एंड मैं आपको दाल चा दिखाऊंगी। देखिए गाइस हमारा यमी यमी दाल छा, तो गाइस पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए प्लीज। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे छोटे छोटे रेसिपी जो मेरे को पसंद है मैं वैसे मेरे स्टाइल से थोड़ा बहुत आप लोग को बना के दिखाऊंगी। टिल देन फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।